साथियों नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम झांसी बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंदर हमारे बीच में बुंदेलखंड आजाद समाज पार्टी के प्रभारी जी मौजूद है जिनका नाम है चंद्रदत्त गौतम जी। आइए इनसे जानते हैं कि बुंदेलखंड के प्रभारी हैं बुंदेलखंड आजाद समाज पार्टी से। आइए बुंदेलखंड की बात करें, एक कानून व्यवस्था की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, आखिरकार जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, आखिरकार किस तरीके से प्रशासन इस देखा जाए यातायात की बात करें और कानून व्यवस्था की बात करें, तो अधिक जानकारी प्रभारी जी मौजूद हैं चंद्रदत्त गौतम जी, इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था के लिए कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। देखा जाए बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद जी, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं जानना चाहता हूँ पहला प्रश्न, बुंदेलखंड आजाद समाज पार्टी आपने कब प्रस्थापित करी? आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर जी जो है एडवोकेट चंद्रशेखर रावल जी, उन्होंने गठन किया है और मैं तो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था और बुंदेलखंड में मैं कई पदों पर रहा, उसके बाद झारखंड का प्रभारी रहा मैं बसपा का। मैंने 1 जून को बहुजन समाज पार्टी में जो मानदर कांशीराम साहब का उद्देश्य था वो उद्देश्य खत्म नजर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं माननीय चंद्रशेखर जी, उनके साथ जाया जाए और मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम महापुरुष जो दलित शोषित समाज वंचितों के लिए जो काम किया उनके महापुरुषों को सपने को साकार किया जाए। और आपने अभी एक प्रश्न किया कि बुंदेलखंड के मुद्दों की बात करें तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, भारत के तमाम उन शहरों में हमारे बुंदेलखंड के लोग उसके लिए जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं और अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके साथ तमाम अन्याय अत्याचार होता है जो बेचारे जुबान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांव में उनके पास कोई जरिया नहीं होता है, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप जो बाहर विदेश प्रदेश कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप गांव में छोड़कर चले जाते हैं, तो उनकी भी चिंता रहती तो तमाम नाइंसाफियों को सहकर अपने बूढ़े माँ बाप की आशाओं को लेकर, बच्चे के भविष्य को लेकर जाते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य तो नहीं बन पाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का उचित प्रबंध कहीं की सरकारें नहीं कर पा रही हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके बच्चों के लिए उचित प्रबंध, चाहे भट्टा मजदूर हो, चाहे दिल्ली का मजदूर हो, चाहे गोवा का मजदूर हो, चाहे महाराष्ट्र का मजदूर हो, यहाँ जो मजदूरी करने जाते हैं। और आपने एक दिल दहलाने वाली बात तो देखी होगी, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो तमाम वो लोग जो मैंने अपने आंखों से देखा, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने साथियों के सामर्थ्य अनुसार मैंने तमाम उन पीड़ितों को मैंने भोजन कराने का काम किया, जो फोटो के माध्यम से वो उसका चला भी। और हम लोग तो चाहते हैं कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, यहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको रोजगार मिले। एक मुझे बात याद आ जाती है महापुरुषों की, क्योंकि मैं बात को लेकर चलते हैं, तो संत रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ देश में सबे मिले अन्न और छोटे बड़े सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। उन्होंने लगभग 750 वर्ष पहले ये कल्पना की कि इस देश में कोई भूखा ना रहे, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसी तमाम चीज़ें सब लोग आपस में भाईचारा मिलाकर साथ में रहें, ऐसी कामना की थी। तो मैं चाहता हूँ कि देश प्रदेश की जो भी सरकारें हों, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राइट दिए हैं उनको, नौकरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अब तो सारे काम निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताइए, आखिरकार कहाँ कमजोरी आपको नजर आती है?
कानून व्यवस्था यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, कानून का राज तो कहना एक नाइंसाफी होगी। यहाँ जंगल राज से भी भयानक राज चल रहा है और यहाँ तो आए दिन दलित बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार, रेप। वो रेप किसी के साथ हो, किसी समाज के साथ हो, ये कार्य ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को अविलंब संवैधानिक दायरे में रहकर जो भी सजा हो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैक में चलाकर मुकदमे को तुरंत निस्तारण कराकर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में दोषियों को सजा दी जाए, जिससे कि ऐसे केसों की पुनरावृत्ति ना हो सके। और बुंदेलखंड में पलायन रोकने के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ नदियों का तो है लेकिन यहाँ नहरों का जाल बिछाना होगा, लिफ्ट सिस्टम से पानी नदियों से उठाकर जहाँ हमारे खेत हैं वहाँ तक पहुँचाना होगा, जिससे खुशहाल और हमारे बुंदेलखंड के लोग खुशहाली से जीवन जिए, बुंदेलखंड की तस्वीर बदले, ऐसी मैं कामना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मांग करता हूँ कि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। आज हमारी बेटियाँ, किसी समाज की बेटियाँ हों, आज निर्भीक होकर शाम को 5 बजे का अंधेरा ढलने के बाद सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। चाहे जिस बेटी से आप बात कर लो, चाहे जिस माता बहन से बात कर लो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदत्त गुप्ता जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रदत्त गौतम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल पर समय निकाल कर बात करी, जिस तरीके से बताया कानून व्यवस्था के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, और सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के अंदर हो रहे युवा प्लान कर रहे हैं बाहर को, किस तरीके से इनकी मदद होना चाहिए इस भारत पर रोजगार के साधन मुहैया कराया जाए बुंदेलखंड में, जिससे पलायन रुके। जी, कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज़ झांसी।